प्रणाम प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस वास्तु डोज के दूसरे एपिसोड में। हम वास्तु में अलग अलग बहुत सारे दोष होते हैं, उसको कैसे कैसे ठीक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुछ टिप्स आपको आज देता हूं कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ें करके अपने घर में वास्तु को ठीक कर सकते हैं। सुगंध हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। वातावरण में अगर सुगंध हो तो हम अच्छे से उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और वातावरण में अगर दुर्गंध हो तो हम वहाँ पर बैठ भी नहीं पाते। हम हमेशा कहते हैं कि अपने घर में कुछ सुगंधित चीज़ों को या वातावरण को सुगंधित करने की कोशिश करें। उसके लिए आप जैसे एयरविक आते हैं या आजकल कई प्रकार के डिफ्यूज़र्स आते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और सबसे पहले तो घर का जो मध्य भाग है वहीं से शुरू करें, और घर के मध्य भाग में चंदन की सुगंध को आप लगाएं। घर के मध्य भाग में चंदन की सुगंध होने से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो घर के सेंटर में डेवलप हो जाती हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। फिर इस सुगंध के ऊपर अगर आपने पूरी जानकारी अगर हमसे हासिल करनी है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और जगह बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जो ईश्वर का स्थान है, ईशान कोण, वहाँ पर भी चंदन की सुगंध लगाएं। ईश्वर को चंदन की सुगंध ज़्यादा प्रिय है। ईश्वर यानी महादेव। अब आप देखिए, महादेव के गले में वासुकी नाग हैं, और वो वासुकी नाग यही दर्शाते हैं कि नाग हमेशा चंदन की सुगंध की ओर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। महादेव खुद ही इस प्रकार से हैं कि उनके अंदर से ही चंदन की सुगंध आती रहती है। तो वहाँ पर आप चंदन की सुगंध लगाएंगे तो ईश्वर अंश धीरे धीरे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप हमारे साथ और टिप्स पाने के लिए ऐसे जुड़े रहिए। निदान प्रणाम।